ये मेरे लिए बहुत खुशी और सम्मान की बात है मेरा नाम मीरा जाटो है मैं पत्रकार हूँ और मैं एक एंटी कास्ट नारीवाद हूँ आईंग्रांसलेट बाई स्ट माई वॉर्मिंग ग्रीटिंग टू आर ग्लोबल जर्नलिस्टिक फ्रटर्निटी आई एम ऑनर्ड डिलाइटेड दैट द सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म काइंडली गिवन मी अ प्लेटफॉर्म टू शेयर माय एक्सपीरियंस माय नेम इज़ मीरा जाटक आई एम अ जर्नलिस्ट आई एम एन एंटी कास्ट फेमिनिस्ट तो मैं अपनी बात शुरू करने के पहले एक किस्सा बताना चाहती हूँ दरअसल बताना तो नहीं सोचा था लेकिन जरूरी है कि वो इस मंच में मैं अपनी बात को रख पाऊँ मैं जब परसों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे पहुँची अंदर गई और एयरलाइन में जब मैं आ, आ, काउंटर पर पहुँची तो वहाँ पर जब मुझे बोर्डिंग पास लेना था तो मुझे बोर्डिंग पास देने से मना कर दिया बोले कि आप किस लिए जा रही हैं क्या काम है आप को तो इंग्लिश नहीं आती है आप तो हिंदी बोलते हो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि क्यों जा रही हूँ क्या काम है उन्होंने कहा अगर आप पत्रकार हो तो अपना प्रमाण पत्र दिखाओ मैंने कहा मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है मैं खुद अपने आप में प्रमाण हूँ काफ़ी देर मतलब उन्होंने मुझे तीस से चालीस मिनट तक परेशान किया बार बार ये भी बोलते रहे कि आप साइड में जाके बैठ जाइए हम आपको बता देंगे कि कब आपको बोर्डिंग पास मिलेगा या नहीं मिलेगा मैंने कहा मेरे पास वीज़ा है टिकट मेरी बुक है फिर बोर्डिंग पास देने में क्या दिक्कत है तो मतलब इतना ज़्यादा परेशान किया उन्होंने ये बोल बोल के कि आपको इंग्लिश नहीं आती जब मैंने यहाँ का वो दिखाया कि मुझे निमंत्रण आया हुआ है उन्होंने कहा वो तो पूरा इंग्लिश में है मैंने कहा इंग्लिश में है तो क्या हुआ मेरे वहाँ दोस्त हैं जो ट्रांसलेट करेंगे और बताएंगे उसके बारे में तो बस मैं इसलिए बताना चाह रही थी कि हम एक स्वतंत्र पत्रकार हैं फिर भी हमसे प्रमाण मांगा जाता है हम मतलब एक तरह से लोगों को लगता है कि पत्रकार होना एक गुनाह है और उसके लिए Uh, to tell you the truth, i did not really expect to start the lecture with what uh, i'm about to tell you, but i think it is uh, important for me to share. i left new delhi airport on tuesday morning. when i walked up to collect my boarding pass, i was refused by the airlines. my documents were in order. Visa, invite, and tickets, but I was refused. The airline said if I was a journalist, I needed to show proof of accreditation. Then they said there were special rules that journalists need to be subjected to in background checks and surveillance. They also said that the event was entirely in English, and what was a rudal Hindi speaking woman going to do at this event? This harassment lasted for nearly 3 quarters of an hour before letting me pass through. Why I think it is important for me to share this is because it feels like journalism is a dangerous profession. It feels like people think it's a dangerous profession. And now more than ever before, it feels like journalists are under threat now more than ever before. And this is something that uh, you know i'm just adding that like and if anyone tells you that caste and patriarchy are things of the past in india they are lying खैर मैं आपको बताऊं कि मैं मैंने अपना सफर कुछ 25 साल पहले भारत के उत्तर प्रदेश के बिहार इलाके बुंदेलखंड से शुरू किया था 31 मई 2002 को मैंने और मेरे साथी ग्रामीण दलित वंचित महिलाओं ने मिलकर खबर लहरिया नामक अखबार का बीज बोया जो आज पूरी दुनिया में खिल रहा है आज मैं अपने आज मैं आपको अपने सफ़र के बारे में बताना चाहती हूँ जो ऐसी चुनौतियाँ और कामयाबियों से भरा है जिससे हम सब सीख सकते हैं from an underdeveloped region called Bundelkhand, uh, Uttar Pradesh in northern India. On May 31st, 2002, seven of us, me and my comrades, who were Dalit, Bahujan, Muslim, rural women, sowed the seeds of a hyper-local newspaper called Khabar Lahariya, which has now bloomed for all the world to see. I'm here today to tell you a little bit about our journey जिस माननीय जिस माननीय व्यक्ति और पत्रकार के नाम पर यह लेक्चर देने का मौका आज मुझे मिला है उसके बारे में मैं यहाँ आने से पहले थोड़ा पढ़ा जिस दौर पर खड़े होकर उन्होंने सी की शुरुआत की थी मेरे ख्याल से दुनिया आज फिर उसी दौर से गुजर रही है मैं अपने देश और प्रदेश की बात करूं तो मीडिया और पत्रकारों के लिए ये समय बहुत ही चुनौती बन गया है जहां हमें जवाबदेही का झंडा लहराना चाहिए वहीं हम डर के अपने आँख कान मुंह को बंद करके काम कर रहे हैं जहां सत्ताधारियों ने झुकने को भी नहीं कहा वहां हम रेंग रहे हैं You know, I did read a bit about Gavin McFaddian, who started CIJ. I think the tough time CIJ was responding to is something we are seeing again today. I will confine myself to talking about my country and state. It is an unprecedented time of challenge for journalism. This is the time to hold power accountable, yet we have chosen to shut up, say and do nothing. Where powers that we haven't yet asked us to bend, we are crawling. मैं जिस राज्य से हूँ उत्तर प्रदेश वहाँ के सरकार के कुशासन पर सवाल उठाने वाले पत्रकारों को जम के दबाया जा रहा है पत्रकारों को ही नहीं आम जनता को भी सोशल मीडिया मीडिया के माध्यम से सत्ता में बैठने वालों पर सवाल उठाने पर उनको दबाया जाता है जा रहा है राष्ट्रीय आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में महिला हिंसा के केसेस सबसे आगे हैं पुरुष सत्ता यहाँ के समाज के आंखों में भर आता है अगर हम अनुसूचित जाति यानी दलित समुदाय यानी हमारे देश का वो तबका जो हमेशा हासिये पर रहा है उनके खिलाफ़ हिंसा के केस में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है लगभग देश के 25 प्रतिशत दलितों पर हिंसा के किस्से उत्तर प्रदेश से हैं Uh, let me tell you about my state of Uttar Pradesh, which is at the forefront of criminalizing journalists who are doing their job. In fact, even ordinary citizens are being penalized for saying what they feel on social media, just what they feel. Uttar Pradesh also cuts a sorry figure in national crime statistics. UP co continues to be the most unsafe and violent state for women, with the highest cases of violence. उत्तर प्रदेश ऑल्सो लीड्स वेन इट कम्स टू क्राइम्स अगेंस्ट मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप्स अबाउट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ऑल द केसेस अगेंस्ट दलित नैशनली कम फ्राम माई स्टेट यह आंकड़े पूरा पिक्चर बयान नहीं करते हैं आप सोच सकते हैं कितनी हिंसा होती है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड तक पहुंच भी नहीं पाते ऐसे क्षेत्र से खबर लहरिया का फूल खिला है जिसमें दलित बहुजन मुस्लिम महिलाओं ने अपने खून पसीना लगाकर इस नारीवादी बगीचे को सींचा है दलित महिलाओं को हमारे समाज में कोई जगह का प्राथमिकता नहीं दी जाती लेकिन ऐसे समाज के सामने मैंने नारीवादी पत्रकार महिलाओं की पीढ़ी तैयार की है जो अब अपनी जिंदगी में सशक्त हैं निडर हैं और आत्मनिर्भर हैं यह करन, करना बिल्कुल भी आसान नहीं था और आज भी आसान नहीं है दी स्टेटिस्टिक्स डू नॉट टेल यू द होल पिक्चर यू कैन परहैप्स इमेजिन द केसेस ऑफ वायलेंस दैट डू नॉट मेक इट टू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स खबर लहरिया बिल्ट बाय द ब्लड स्वेट एंड टॉयल ऑफ दलित बहुजन विमेन हैज ब्लूम्ड इन सच अ वायलेंट डिजर्व

कामयाब प्रतीक है 2002 में जब हम सात बहुजन महिलाओं ने खबर लहरिया को प्रकाशित किया तो जैसे हमारे इलाके में तहलका मच गया ये कौन महिलाएं हैं जो अपने आप को पत्रकार कहने की ज़रूरत कर रही हैं समाज इस तरह के सवाल उठाने लगा हमारे टीम में किसी ने पत्रकारिता की ट्रेनिंग नहीं की थी हम में से कई नौ साक्षर महिलाएं थीं हम सब ने हमारे इलाके की स्थानीय भाषा को पढ़ा पढ़ना लिखना खुद सीखा क्योंकि हम चाहते थे कि ग्रामीण महिलाएं हमें पढ़ें और सुने द स्टोरी ऑफ खबर लहरिया इज द स्टोरी ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ रूरल मार्टलाइज न्यूलिटरेट वेमेन इट इज़ ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म टू राइट अबाउट वॉट मैटर्स टू आस In 2002, when our team of seven Bahujan women brought out a brand new newspaper called Khabar Lahariya, our region broke out in a furor. Who are these women who have dared to call themselves journalists? We were self-taught. We wanted to write in our own local dialect because we wanted the women of our region to read us and to talk to us. हमने कंप्यूटर कभी नहीं चलाया था हमें अखबार के लिए रिपोर्टिंग कैसे करना है ये नहीं पता था हमने हमारे पहले एडिशन के एक हज़ार कॉपी छापे थे और हम खुद अपने अखबारों को बेचने गांव-गांव पैदल जाते थे जब खबर लहरिया 2016 में डिजिटल होने लगा तब हम खबर लहरिया के पत्रकार बुंदेलखंड से गांव से सब लेकर आते थे खबर लेकर आते थे और गांव गली में अखबार को बेचने की बात जाते थे हमारी पत्रकारिता का एक ताकत हमारा हमारा लोगों से जुड़ाव था जहां मुख्यधारा के पत्रकार सरकार पार्टी गांव में बहुत कम दिखते थे वहां हम हर जगह लोगों के बीच दिखते थे उनके आप को सुनने के लिए लेकिन ये पहचान और जुड़ाव बनाने में समय लगा है सिर्फ समय ही नहीं हर तरह की जातिवाद आर्थिक सामाजिक सत्ता की हिंसा को झेलना पड़ा है वी वर नॉट ट्रेनड न्यूजिंग कंप्यूटर्स वी वर नॉट ट्रेनड इन जर्नलिज्म आर फर्स्ट प्रिंट रन वॉज अ कॉपीज एंड बी सोल्ड ईच न्यूज पेपर आर सेल्व दिस इज वॉट सेट्स इज अ फ्रॉम अदर मीडिया Until Khabar Lahariya took a digital turn in 2016, we traveled mostly on foot from village to village, looking for stories and distributing our newspaper. We went where governments, mainstream media, politicians had never gone before. We listened to people's stories and we went back again and again. It took us years to be accepted. We were, off, after all, shudras and atishudras, that is ex-untouchable communities. मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी साथी शांति को गांव वाले गाली देते थे कोलीन कहकर ताना मारते थे कि पढ़ाई लिखाई जिसको नहीं आती वो पत्रकारिता कैसे कर रही है जब पहली बार हम पेपर बेचने गए थे तो कई लोगों ने सोचा कि हम भीख मांग रहे हैं ऐसा भी कई बार हुआ कि हम दलित महिलाओं के साथ खुलेआम छुआछूत छुआ करते छुआ छुआ थे, थे लोग आई विल फोर एवर रिमेंबर द एक्सपीरियंसिस ऑफ माई आदिवासी दैट इज इंडिजिनस कॉलिग शांति विज स्लर्स एट हर एस यू वेंट अबाउट टू रिपोर्ट they called her derogatory caste terms to her face. colon, what do you, an uneducated woman, know about reporting? the first time we went about town to sell our newspaper, people assumed we were begging. the practice of untouchability is also not completely gone. we have and still face it where we live and where we work. <laughs> इस रिपोर्ट के बाद बनी जिसमें हमने एक आदिवासी महिला के साथ हुए पुलिस हिंसा को कवर किया बुंदेलखंड के जंगली मानिकपुर इलाके को डाकुओं के इलाके की तरह भी लोग जानते हैं यहाँ कई दशक से डाकू और पुलिस के मौजूदगी में आम गांव के लोग फंस जाते हैं हमारे सुनने में आया कि करोहा गांव की एक आदिवासी महिला के साथ पुलिस one of the first cases of violence against women covered by reporters reported was about an indigenous woman in the remote forested area of manikpur where ordinary lives were regularly caught in the crosshairs of outlaws, dacoits and police. we heard a report of an adivasi woman brutally assaulted by the police on the mere suspicion that she may have given a meal to the goads we wrote prominently about the case and we called out the police for their brutality बोलिए मिरा जी इस खबर को किसी भी न्यूज़ चैनल ने अखबार ने नहीं उठाया सिर्फ हमने इस खबर को छापा और तो और हमने पुलिस प्रशासन की कड़ी निंदा भी की इस खबर को छापने से हमें कई पत्रकारों ने मना किया एक तरफ की एक तरह की धमकी देकर कि पुलिस के खिलाफ मत लिखो लेकिन हम भी पीछे नहीं हटने वाले में से, से थे इस खबर से हमारी नारीवादी पहचान की शुरुआत हुई जिसको हम आज तक आगे बढ़ा रहे हैं एक पुरुष प्रधान जातिवाद समाज में दलित महिलाओं का कलम पकड़ना और सत्ता से जवाबदेही मांगना किसी क्रांति से कम नहीं था वी रोट प्रोमेंटली अबाउट द केस एंड वी कॉल्ड आउट द पुलिस फॉर दर ब्रूटैलिटी मेन रिपोर्टर्स इन आर एरिया वॉन्ड आस सम इवन थ्रेटेंड आस बट वी डिड नॉट बैक डाउन इन माई व्यू दिस रिपोर्ट सिमेंटेड आर As a feminist newspaper and was a foreshadowing of things to come. That historically marginalized women picked up pens as weapons to fearlessly demand answers in a society of entrenched inequalities was a revolutionary act. Bharat ki ek editor ne unke report tha ki news hamare ka aina. तब दिखा पाएगी जब हमारे न्यूज रूप में समाज दिखे मेरे कहने का ये मतलब है कि साल 2022 में भी भारतीय मीडिया उच्च जाति के सत्ता में है 2019 की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट से यह पता चला है कि ब्राह्मणों की जनसंख्या सिर्फ चार प्रतिशत है लेकिन अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं भासा, के न्यूज़ रूम में उनका अट्ठासी प्रतिशत का बाहुल्य है जबकि हम दलित बहुजन आदिवासी भारत के 80 प्रतिशत हैं आपका मीरा जी टॉकिंग अबाउट अ रिपोर्ट दैट केम आउट बाय रॉयटर्स एंड इट वाज़ आल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च डन बाय तेजस हरद एट यू नो एट द रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म It says that news cannot reflect society until newsrooms do. What I'm trying to say here is that it's year 2022 and media is still owned and editorially run by the powerful few and not the many. A 2019 Oxfam and News Laundry research revealed that Brahmins, who traditionally occupy the uh, highest position in our hierarch hierarchical social system,

अंग्रेजी अखबारों में सिर्फ पाँच प्रतिशत आर्टिकल या स्टोरी दलित द्वारा लिखी गई हैं हिंदी अखबारों में यह प्रतिशत दस परसेंट तक है यह तो बस प्रतिनिधित्व की बातें हैं भारतीय मीडिया में दलित बहुजन पत्रकार होने का अनुभव तो बहुत बड़ा समुद्र है जिसका विस्तार हमने अभी देखा नहीं है Uh, the report, the findings of these reports, in fact, if you, you can go check it out uh, online, they're quite damning. There's not a single Dalit, other backward caste, indigenous anchor in our television channels. 5% of articles, total articles written in English newspapers are written by Dalit, Bahujan, Adivasi people, uh, journalists, and 10% in Hindi newspapers, which is just only slightly better. These are just statistics of representation or diversity, if you will. होल ओशन बहुजन आदिवासी भारतीय मीडिया के सामने लगातार ये सवाल साम, आ, सामने आया है हमारे जीवन की कहानियों को के रचयता कौन है भारत के इस मीडिया के रेगिस्तान में खबर लहरिया तो मुझे ऐसा बारह मासी फूल लगता है जिसके हर पंखुड़ी में मीडिया के संकट का समाधान है दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज़ प्लेग्ड इंडियन मीडिया सिंस इंसेप्शन इन आवर ओपिनियन हु आर द ऑथर्स ऑफ आवर स्टोरीज आवर लाइव्स एंड आवर वर्क आई सी खबर लहरिया एज दैट पेरियली फ्लावरिंग प्लांट इन दिस मीडिया दैर हैज़ आंसर्स टू मोस्ट टू आर मोस्ट फंडामेंटल इवन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन क्या हम किसी भी समाज में किसी भी समुदाय में ऐसी ज़मीनी मीडिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं जिसमें सत्ताधारी और जिनकी कहानियां लिखी जा रही हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क ना हो यही तो हमने खबर लहरिया में किया है बदलाव का रफ्तार तेज़ नहीं है लेकिन इन 20 सालों में खबर लहरिया ने ग्रामीण बहुजन महिलाओं की ऐसी पीढ़ी तैयार की है जो पुरुष प्रधान जगहों में अपनी आवाज़ उठाने से और काम करने से डरती नहीं हैं इतना ही नहीं हम ग्रामीण बहुजन महिलाओं ने वही मुद्दे उठाए हैं और आज भी उठा रहे हैं जो हमारे जीवन के करीब हैं कुड वी इमेजन अ स्पेस ऑफ जर्नलिज्म इन इक्वालिटी बिटवीन दोज इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट इज नॉट दिस टाक Isn't this what we have demonstrated at Khabar Laheria and successfully? Change did not happen overnight, of course, ours has been a two decade long journey, but we have believed and stuck to our first principles. Rural marginalized women write on issues that matter to us and our communities. Rural marginalized women can wield the pen as easily as we did wage labor in a caste ridden patriarchal society. हमारे सफ़र की शुरुआत से हम ग्रामीण इलाकों में सड़क नाली बिजली पानी मजदूरी पर लिखते आए हैं यह आपको बहुत ही मामूली चीज़ें लगेंगी लेकिन हमारे लिखने से गांव में सड़क बनती है दलितों के मोहल्ले की नाली साफ़ होती हैं महिलाओं पर पानी के काम का बोझ कितना होता है ये पता चलता है हम ऐसे सवाल करते हैं जो हमारे सामाजिक ढांचे का खुलासा करता है दलित मोहल्ले में हैंडपम्प काम क्यों नहीं करते हैं महिलाओं को पुरुष समान मजदूरी क्यों नहीं दी जाती है महिलाओं के हर तरह की मजदूरी तेंदू पत्ता से लेकर बीड़ी और धान की कटाई तक को काम का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता दलित महिला पर हिंसा के किस्से से में पुलिस थाने में एफ क्यों नहीं लिखा गया क्योंकि अपराधी उच्च जाति का है What do we write about? We write about the condition of roads and sewers. We write about the lack of access to electricity, water, and work. You might think that these are very ordinary things to write about, but for us, this is what makes the difference between whether villages get roads or not, whether Dalit neighborhoods are cleaned or not, whether hand pumps are fixed or not for women to be able to fulfill their family's water requirements.

दलित महिला पत्रकारिता कर रही हैं इससे समाज को गुस्सा आता है हमारे चरित्र पहनावे बोलचाल, परिवार शिक्षा को शिक्षा को चीड़ फाड़ कर देना देखा जाता है और हमारे कलम चलाने से समाज को डर भी लगता है जिस प्रदेश में हिंसा से पीड़ित महिला को ही दोषी ठहराया जाता है वे ऐसे जगह में हमने पीड़िता की आवाज़ को हमेशा प्राथमिकता दी है और अपराधी को नाम से पुकारा है इस तरह लिखने के बाद ऐसा नहीं है कि समाज में पूरी तरह बदलाव आया है कई बार तो हमें खुद परिवार से हिंसा झेलना पड़ता है हमारे आवाज़ उठाने की कीमत क्या है ये तो हम ही हमको ही पता है इट इज़ वाइटली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू राइट ऑन दीज इश्यूज एज दिस इज आवर लाइफ एक्सपीरियंस Society does not deal well when marginalized women step out of the boundaries they have been confined to. They take their anger out on us. They scrutinize, criticize, penalize us for what we wear, what we eat, where we live, how we speak. Society is also scared of what we are trying to bring about a fair, just, equal society for everyone. Ours is a society where the woman is blamed first, no matter what the issue at hand is. And that is the discourse we have changed. We have centered women's, particularly marginalized women's voices and experiences, and we have named and shamed powerful perpetrators. This is not to say that this battle, that uh, that this is a battle that we have won. Far from that. What we face in society, we deal with in our families on a daily basis. आप में से शायद कुछ लोगों ने राइटिंग विद फायर का, uh, की फिल्म फिल्म देखा होगा। इस खबर लहरिया के तीन महिला पत्रकारों के सफर का की झलक दिखाया गया है कि कैसे बहुजन महिलाएं समाज के भेदभाव को झेलती हैं सत्ता के प्रदर्शन पर किस तरह से सवाल उठाती हैं चाहे सत्ता में जो हो और हमारे सपने क्या हैं और किस हद हाँ तक लाइफ हमें इन सपनों को साकार करने देती है आई होप दर पीपल दिसमेंट्री टेल्स यू द्री कॉम्रेड इज दाइव यू माइट हैव सीन हाउ वुमेन मार्जनालाइज्ड बाई सोसाइटी discrimination and dismissal. You might have seen them demand answers from power, whoever that power is. You might have seen them talk of their dreams and hopes. आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो दौर चल रहा है पत्रकारों के लिए बहुत ही मतलब एक तरह से खतरनाक दौर है मतलब खबर को लिखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खबर नहीं लिखते हैं हम खबर को लिख रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को एक सामूहिकता में देख रहे हैं और जो ताकत हमारे सामूहिकता में है उसको लेकर हम आगे चल रहे हैं और हम सरकार के खिलाफ भी लिख रहे हैं लेकिन ये है कि हम किसी के दबाव में नहीं आते हैं so what miraji is trying to say is that we are doing things collectively and our principle is to not give in to any sort of suppression or oppression and that's, that's how we've always worked and that is how we've continued to work. things have been very difficult but uh, it's not one reporter facing the state. believes in the power of the collective of reporting. ये कहना तो अभी मुश्किल है लेकिन कोशिश महिलाओं ने की है काफी हमें देख करके और महिलाएं बाहर निकली हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा है चाहे वो सामूहिकता के रूप में हो चाहे व्यक्तिगत रूप में महिलाएं आगे आ रही हैं सो देर है a few efforts in the same region, uh, women collectives run by dalit women who are now uh, seeking answers or dealing with cases and pursuing legal cases for uh, survivors of violence. so there is a, a collective called vanangana, which operates again in bundelkhand. there have been small efforts like that. sahajani is another initiative that came around this right after khabar lahariya in lalitpur in uttar pradesh, which is about adult literacy for women. and they they are also about 15 years old now, and they continue to grow. so there are efforts that are ongoing, and we're talking only about uttar pradesh. i'm sure there are many more uh, across the country. thank you very much, mira. <laughs> i have to close it. Uh, if you have any questions? Please ask yes. <laughs>